टीवी पत्रकारिता से सफलता प्राप्त करते ही रवि लामिछाने ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नाम के एक पार्टी स्थापना किया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संसदीय इलेक्शन में चौथी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सफलता के बाद रवि लामिछाने का सरकारी यात्रा शुरू हुआ। रवि लामिछाने सरकार में गृह मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुराने राजनीतिक दल और कुछ नेताओं का खिलाफ फाइल खोलना शुरू कर दिए। उसके बाद शुरू हुआ पुराने राजनीतिक दल का मिलन का कार्यक्रम, यानी कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले दोनों एक हो गए और वो लोग अपना सरकार बना लिए और इनको सरकार से हटा दिया गया। इस समय रवि लामिछाने को कोऑपरेटिव मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तार करके काठमांडू के राजधानी काठमांडू से अलग पोखरा में रखा गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं।